बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व शाफी। रेडिएशन यानी ताबकारी के ख़तरनाक नतायज व इलाज। सवाल है, इस सिलसिले में चंद एक सवालात हैं जिनके जवाबात हम नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। पहला सवाल है कि रेडिएशन या ताबकारी के क्या मानी है। जवाब, इसके मानी शुआ रेज़ी या ताबकारी के हैं। सवाल, रेडिएशन या शुआ रेज़ी या ताबकारी के नतीजा में होने वाली अमूमी बीमारियां कौन सी हैं। जवाब, हल्की ताबकारी से इसहाल, मतली और कै और बाज़ औक़ात बाल गिर जाते हैं, जबकि बड़ी ताबकारी से मुदाफियाना निज़ाम की कमज़ोरी, सफ़ेद मोतिया, बांझपन, बाज़ किस्म का कैंसर, मसलन ब्रेन का कैंसर और कई दीगर बीमारियां पैदा होती हैं। नीज़ शदीद किस्म की रेडिएशन या शुआ रेज़ी से सिर्फ चंद घंटों में ही मौत वाक़ हो सकती है। शदीद ताबकारी खुलियात यानी सेल्स की तबाही का बायस बन सकती है। सवाल, फीज़ माना रेडिएशन या शुआ रेज़ी या ताबकारी के कौन से बड़े बड़े ज़राए हैं। जवाब, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, सैनमा बीनी, माइक्रोवेव ओवन, तिब्बी तशखीसी व मालजाती ज़राए मसलन एक्सरेज, न्यूक्लियर मेडिसन, सीटी स्कैन, एटमी हथियारों का इस्तेमाल, बहुत से बरकी आलात वगैरह का इस्तेमाल, ये चीज़ें हैं। सवाल, ताबकारी से तहफ़ व इलाज के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसन है। जवाब, रेडियम बरोमेटम 200 हफ्ता के बाद, और यही दवा यानी रेडियम बरोमेटम 1000 ताकत में 15 दिन के बाद इस्तेमाल करें। एक दूसरी दवा कार्सिनोसिन 200 ताकत और 1000 ताकत, जिस तरह हमने बताया इसके मुताबिक इस्तेमाल करते रहें। ये अद्वियात न सिर्फ ताबकारी से तहफ़ के लिए हैं बल्कि कैंसर के इलाज में भी बहुत मौसर हैं।